हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज जो हम क्राफ्ट बनाने वाले हैं वो ये खाली ग्लास की बॉटल से बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कटोरी में 3 चम्मच बॉल फूटी, 1 चम्मच फेविकॉल और 2 से 3 चम्मच पानी मिक्स करके पतला घोल तैयार करेंगे। घोल तैयार करने के बाद हम एक ब्रश की हेल्प से इसे ग्लास के बॉटल पे अप्लाई करेंगे। इस प्रोसेस को हम 2 बार करेंगे। जब हमारा एक कोट सूख जाएगा तब हम इस पे दोबारा अप्लाई करेंगे। मैंने जो बॉल फूटी के घोल से कोट किया था वो प्रॉपर सूख गया है, तो मैं अब इसे कलर कर रही हूँ। आप इस बॉटल पे बिना बॉल फूटी के घोल से कोट किए भी कलर कर सकते हैं, पर अगर आप बॉल फूटी के घोल से इसे कोट करके कलर करेंगे तो कलर आसानी से नहीं निकलेगा। फ्रेंड्स, मैंने जो ग्लास का बॉटल यूज किया है वो बच्चों की जो मेडिसिन वाली बॉटल आती है, मैंने उसी का यूज किया है। आपके घर में इस तरह की बॉटल हो या इससे कोई अलग भी बॉटल हो तो आप उसे इस तरह से डेकोरेट करके आप अपने घर में रख सकते हैं। कलर करने के बाद मैंने पेंसिल की हेल्प से इस पे इमेज बनाया और मैं अब उस पे दोबारा से कलर कर रही हूँ। कलर करते समय आप ध्यान दें कि आपका जब तक एक कलर ना सूखे तब तक आप इस पे कोई दूसरा कलर ना करें। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्राफ्ट बनके तैयार हो गया है। ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अब हम इसी तरह के बॉटल से एक और क्राफ्ट बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बॉल पुटी का डो यूज किया है। मैंने आपको पहले बताया है कि बॉल पुटी का परफेक्ट डो कैसे बनाते हैं। बॉल पुटी का डो बनाने के लिए हम सिर्फ पानी का यूज करते हैं। इसमें किसी भी तरह का ग्लू मिक्स नहीं करते हैं। हम जैसे आटे का डो तैयार करते हैं उसी तरह से बॉल पुटी का भी डो तैयार करते हैं। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे मैंने बॉल पुटी को चिपकाने के लिए फेविकॉल का यूज किया है। क्योंकि ये ग्लास का बॉटल है तो अगर आप बॉल पुटी को फेविकॉल की हेल्प से चिपकाओगे तो वो बहुत ही आसानी से इस पे चिपक जाएगा। अगर आप इसे बॉल पुटी के गाढ़े घोल से चिपकाओगे तो वो उस समय तो चिपक भी जाए, पर जब आप इसे पेंट करने लगोगे तो वो उसमें से टूट के निकल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप बॉल पुटी से क्राफ्ट बनाते हैं तो इस बात का तो खास ध्यान रखें कि जब तक आपका एक लेयर ना सूखे तब तक आप दूसरे लेयर पे काम ना करें। आपका जब एक लेयर अच्छी तरह से सूख जाएगा तभी आप दूसरे लेयर पे वर्क करिएगा। हमने बॉल पुटी से डिटेलिंग कर ली है और वो सूख भी गई है, तो अब हम इसके बाद इस पे कलर करेंगे। कलर करते समय आप किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। कलर आप बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही आराम से करें, क्योंकि अगर आप कुछ भी क्राफ्ट बनाते हैं तो उसमें जो सबसे अहम पार्ट होती है वो कलर की होती है। अगर आपका कलर सही तरीके से नहीं होगा तो आपने कोई भी क्राफ्ट बनाया है वो बिल्कुल भी सही नहीं लगेगी। इसलिए आप ध्यान दें कि कलर करते समय किसी भी तरह की जल्दबाजी ना हो। कलर करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि जब तक हमारा एक कलर ना सूखे तब तक उस पर कोई दूसरा कलर ना करें। मैंने अच्छी तरह से कलर कर लिया है और ये पूरी तरह से सूख भी गया है, तो मैं अब इसे हाईलाइट कर रही हूँ। मैंने इसे हाईलाइट करने के लिए गोल्डन मेटैलिक कलर का यूज किया है। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्राफ्ट बनके तैयार हो गया है। ये भी देखने में बेहद खूबसूरत है। आप भी इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। आपके घर में इस तरह के बॉटल ज़रूर होती होगी, तो आप इस तरह के बॉटल का रीयूज कर सकते हैं। ये बहुत ही कम खर्चे में बनके तैयार हो जाती है और बनने के बाद बेहद खूबसूरत लगती है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसे हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।